तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम सब लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल्स में वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस नियम पर आधारित महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम जानेंगे इस प्रश्न जो चैप्टर है इससे संबंधित जो है फार्मूले। इसमें सबसे पहला फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई बराबर होता है ई सदिश डॉट ए सदिश, यानी वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स हमें यह बताता है कि किसी भी सतह से कुल कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरी हैं, उसकी संख्या को बताता है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या जुड़ता है, कॉस थीटा। अब इसी प्रकार गाउस के नियम से फाई ई इक्वल्स टू होता है सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, किसी बंद सतह के भीतर उपस्थित बंद पृष्ठ कोई एक, उसके पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश है ये उसकी मात्रा है। अब ऐसे ही एक अनंत लंबाई के कोई आवेशित तार है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान 9×10^9 × 2 λ/r। लेमडा है किसी उस लंबाई की जो अनंत लंबाई का तार है उसके 1 मीटर लंबाई में आवेश की मात्रा, ठीक है ना, या आवेश का रेखीय घनत्व। आर है दूरी, जितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र में निकालना वो दूरी। और एक आवेशित प्लेट के समीप चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो, कोई एक सतह है जो एक समान रूप से धनावेशित या ऋणावेशित है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ई बराबर सिग्मा अपान 2 ε₀। सिग्मा है कि वो जो सतह है उसके एकांक क्षेत्रफल में 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई में कुल कितना आवेश है उसकी मात्रा बताता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, क्योंकि गोले में ऊंचाई तो होती नहीं केवल त्रिज्या होती है, क्षेत्रफल होता है 4πr². लेमडा यहाँ से हम बता दी ना, ये आवेश का रेखीय घनत्व क्यू अपान एल होता है और सिग्मा होता है क्यू अपान ए, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। और इसमें देखेंगे कुछ सदिश वाले या सदिश विश्लेषण पर जो मतलब फार्मूले हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे आई कैप जे कैप के कैप ये क्या होते हैं, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा के बारे में बताते हैं। इन्हें कहते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश या लंब कोणीय एकांक सदिश। इनका मान सदैव एक ही होता है क्योंकि कैप लगा है तो ये हमेशा यूनिट वेक्टर की जैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर होते हैं। आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है होता है अदिश गुणन जो होता है वो 1 होता है। आई और जे का, जे और के और आई का यानी अलग अलग जैसे बदलेंगे तो इनका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष की दिशा बताते हैं, दोनों के मध्य 90° का कोण बन जाता है और कॉस 90° का मान 0 हो जाता है। इसीलिए ये आई कैप जो है एक्स अक्ष की ही दिशा बताते हैं, एंगल दोनों में क्या बनेगा 0° और कॉस 0° का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और आई ये तो अपने आप में एक यूनिट वेक्टर, इनका मान सदैव एक ही होगा क्योंकि कैप लगे हुए। तो ये थे, समान होंगे तो उनका मान 1, असमान है तो मान 0। तो इसी से बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल लिए हैं, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i кэп + 4j кэп + 7k кэп में रखने पर, ठीक है, पृष्ठ एस सदिश बराबर 10j кэп से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। फ्लक्स मतलब फाई, ठीक है, हमको दिया क्या गया है ई और एस, एस कहो चाहे ए कह दो, दोनों चीजें हो सकती हैं। वेक्टर ए भी दिया जाता है एरिया और वो सरफेस हो जाता है पृष्ठ यानी सतह, ठीक है, ए होता है क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या होता है फ्लक्स का, फ्लक्स का वेक्टर फार्मूला यानी सदिश फार्मूला होता है फाई ई, फ्लक्स को लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, ई मतलब सफिक्स में लिखा इलेक्ट्रिक, ठीक है, ई सदिश डॉट, यहां पर ए लिया गया लेकिन यहां पर क्या दिया गया, एस दिया गया तो एस लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे यहां पर, ई का मान कितना दिया गया है, 2i кэп + 4j кэп + 7k кэп, ठीक है, एक ब्रैकेट में कर देंगे, बिंदु लगा है बिंदु। अब एस सदिश कितना दिया गया है, 10j кэп, कितना मान दिया गया है। हमको करना क्या, हम जानते हैं कि जे का गुणा आई से कराएंगे या जे का गुणा के से कराएंगे, मान कितना आएगा, 0।
जे का गुणा, लेकिन जे से अगर जो होता है डॉट गुणन यानी बिंदु गुणन, तो मान क्या आता है वन। इस जैसे कभी भी न्यूमेरिकल आएंगे तो आई वाले का गुणा आई से, जे का गुणा जे से और के का गुणा के से कराएंगे, क्योंकि वो वैल्यू हमेशा वन होती है। अगर जो बदल बदल कर कराएंगे, जैसे आई और जे कराएंगे, यहाँ पर आई और जे कराएंगे तो क्या हो जाएगा इसका मान जीरो, जे और जे कराएंगे तो मान कितना आएगा एक, के और जे कराएंगे, के और जे देखो कराएंगे तो कितना आएगा मान जीरो आएगा। तो इसलिए जो समान है उन्हीं का गुणा कराएंगे। तो जैसे यहां पर क्या दिया गया है जे वाला, तो जे वाला ही लेंगे हम गुणा कराएंगे। तो अंकों का गुणा अंकों से, 10 चौक 40, और जे का जे से डॉट प्रोडक्ट, देखो डॉट ही प्रोडक्ट है, जे का डॉट जे का, इसका गुणा क्या होता है वन होता है, तो बराबर में कितना आ गया 40। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसमें कोई मात्रक दिया नहीं गया, तो वैसे हम मात्रक लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन जब आता है तो लिख दीजिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ, यहां पर एक है, में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल जिसका मान दिया गया वेक्टर A इक्वल्स टू माइनस का 4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। फ्लक्स यानी कि फाई ई, ठीक है ना। तो फाई ई बराबर इसका सदिश रूप क्या होता है, ई सदिश डॉट ए सदिश होता है, ठीक है ना। तो इसका सदिश फार्मूला तो हो गया, अब इसकी वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे। तो फाई ई बराबर ई सदिश का मान यहां पर रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप, वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। मात्रक से कोई मतलब नहीं, वेक्टर ए का मान डॉट, वेक्टर ए का मान कितना माइनस का 4k कैप हमने बताया था। अब देखो इन दोनों का क्या होगा, यहां पर डॉट प्रोडक्ट यानी बिंदु गुणन जिसे अदिश गुणन कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फ्लक्स एक अदिश राशि है, तो इसमें केवल और केवल वैल्यू आएंगी, वैल्यू के लिए, यानी अगर सदिश राशि होती तो क्रॉस लगाया जाता। तो देखते हैं, अब जैसे यहाँ आई और के का गुणा कराएंगे तो आई और के का गुणा कितना होता है जीरो, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। जे और के का गुणा, जे और के का गुणा भी क्या होता है जीरो। के और के का गुणा, के और के का गुणा क्या होता है वन। तो k का गुणा इनके दोनों से कराने से कोई मतलब तो नहीं कि इनकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। अब k का गुणा k से ही कराएंगे, समान कराते हैं बस, ये जानिए। अब ये माइनस का चार, ये माइनस का चार, कितना हो जाएगा प्लस का चार चौक 16। k का गुणा k के साथ कितना होता है बिंदु गुणन एक होता है, तो वन कर देंगे। तो 16 × 16 मात्रा कितना हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन तो दिया नहीं गया है। अब विद्युत क्षेत्र का मात्रक कितना दिया गया वोल्ट बटा मीटर, ठीक है ना, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता मीटर स्क्वायर दिया गया। एक मीटर से एक मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 16 वोल्ट मीटर, यही क्या बन जाएगा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ये लघु उत्तरीय में पूछे जाते हैं या फिर कभी कभी जो है डेरिवेशन के साथ भी दे दिया जाता है इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है एक गाउसियन पृष्ठ के अंदर 3q − 2q तथा +2q आवेश रखें। अब गाउसियन पृष्ठ गोलाकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, क्यों इसका कोई आकार नहीं होता है, गाउसियन पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। गाउसियन पृष्ठ हम कहेंगे किसे, अगर आवेश बहुत सारे रखे उनको चारों ओर किसी एक सतह द्वारा बंद कर दिया जाए या पृष्ठ द्वारा बंद कर दिया जाए तो वही क्या कहलाता है गाउसियन पृष्ठ। तो बहुत सारे एक ऐसा हमने गोलाकार गाउसियन पृष्ठ मान लिया, बेलनाकार भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है। एक 3q आवेश रखा है और एक रखा गया माइनस का 2q, ठीक है, और एक है q
और अगला कितना दिया गया है 2q। रखे हैं पृष्ठ से परिबद्ध कुल फ्लक्स, ये गाउस का नियम है। और गाउस का नियम क्या है, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर सिग्मा का मतलब बीजगणितीय योग, जितने भी आवेश पृष्ठ के भीतर रखे उनका योग है। तो जितने आवेश रखे गए उनको लिखेंगे यहाँ पर, पहला है 3q, दूसरा है माइनस का 2q चिन्ह के साथ, तीसरा है प्लस का q, चौथा है प्लस का 2q, और बटे में कितना है इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3q से 2q निकालेंगे, क्यों ही बचेगा, क्यों में ये वाला क्यों जुड़ करके कितना हो जाएगा 2q, और 2q और जुड़ेगा तो कितने क्यों हो जाएंगे 4q, और बटे में इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इसमें क्यों की यदि वैल्यू दी जाती तो हम वैल्यू रख देते, इप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू रख देते ना। ये क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, ये हमें बताता है कि निर्वात में वैद्युत बल रेखाएं कितनी पास या कितनी दूर है, सघनता और विरलता के बारे में बताता है। तो ये है इसका आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गाउस नियम के जो हमारे अनुप्रयोग हैं या एप्लीकेशन है उन पर आधारित प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का, यानी अनंत लंबाई का कोई तार है, एक तार है जो ऊपर से भी अनंत है और नीचे से भी अनंत है, इस पर एक समान मान लिया कोई आवेश है, धनावेश या ऋणावेश कुछ भी हम दे सकते हैं, ठीक है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व मतलब 1 मीटर लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, 1 मीटर लंबाई में जो भी आवेश रहता है उसी का नाम है रैखिक आवेश घनत्व, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। दिया गया है 10.0 × 10⁻¹⁸ कूलाम प्रति मीटर, ठीक है ना, तार से 2 मीटर दूर, इस तार से 2 मीटर चाहे बाई ओर चाहे दाई ओर, चलिए हम बाई ओर ही मान लेते, कितने मीटर 2 मीटर दूर पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र का मान, दूरी जो तार से दी गई उसी का क्या कहते हैं आर, ठीक है ना। हम फार्मूला पहले ही लिखा दिए, अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी ई बराबर कितना होता है, ई बराबर होता है 9 × 10⁻²⁺ λ/r, वैल्यू पुट करेंगे तो ई बराबर 9 × 10⁻²⁺ λ की वैल्यू दी गई है 10 × 10⁻¹⁸, और बटे में कितने मीटर दूरी दी गई है, आर की वैल्यू कितनी मीटर दी गई है 2 मीटर, तो 2 रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल, गुड़े में घात है जुड़ती है, 9 और 1 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 10, ठीक है ना, तो 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, गुड़े में कितना बचा 10⁻¹⁸, हल करेंगे तो 9 × 10⁻¹⁸ कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचा 2, और किसकी वैल्यू आ गई है ई की, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमें फार्मूला पता ही है, उसी फार्मूला में जो वैल्यू दी गई उन्हीं को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक, यानी कोई एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है 2 मीटर है, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, ठीक है, गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई में जो आवेश है यानी सिग्मा, उसका मान, एक समान रूप से ये आवेशित है, चाहे वो प्लस का दे दो आवेश चाहे इसे माइनस का दे दो, लेकिन क्योंकि ये क्या है, ये चालक है, और चालक को जो भी हम आवेश देते हैं या इसकी सतह पर फैलता अंदर नहीं जाएगा,
तो 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई में जो आवेश की मात्रा है वो कितनी दी गई, 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 80 गुणा माइक्रो हटाएंगे 10^-6 ऐड करेंगे, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सी कैपिटल लेटर बनाना, स्मॉल लेटर बनाएंगे तो सेंटीमीटर लगेगा ना। अब फ्लक्स का मान हमको निकालना है फाई ई, साथ ही साथ दिया गया एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है, और त्रिज्या दी गई है आर बराबर कितने मीटर दी गई है, 2 मीटर दी गई है। हम क्योंकि ये गाउस के नियम द्वारा भी लगा सकते हैं, और गाउस का नियम क्या है, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक फार्मूला हम ये भी जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा ए, जो भी एरिया होगा उसी से क्या करा देंगे गुणा, बटे में एप्सिलॉन नॉट। ए क्या है, इस गोलिये यानी गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल हम बता भी दिए कितना होता है, 4πr² बटा, यहां से देखेंगे तो क्यू का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा ए आ जाएगा, वही यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है ना, और बटे में कितना है, एप्सिलॉन नॉट। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी गई है, 80 के गुणा में दिया गया 10^-6, 4π की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 रखने से कोई मतलब नहीं, हम 3.14 रख रहे हैं। आर का स्क्वायर, आर कितनी दी गई, त्रिज्या 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2×2=4 बटे एप्सिलॉन नॉट का मान दिया ही गया है 8.85×10^-12, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसे, दशमलव के बाद 2 संख्याएं, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हट जाएंगी, 4×4=16, 16×8=144 होता है, यहां का एक 0 प्लस है, इस वाले माइनस को हम क्या कर देंगे, उससे कम कर देंगे, तो माइनस का कितना बचेगा, 5, ये 0 इधर घटेगा, एक माइनस का 5 हो जाएगा, और इनटू में कितना बचा, 16×4=16×8=128 होता है, 16×8=128 होता है ना, और गुणे में कितना है, 314, और नीचे कितना है, 885। अब ये 10^-12 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10^12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं 8×8=16, 16×5=21, 3 से कट जाएगा, और ये 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसका टोटल ऊपर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 128 और 314 का टोटल मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। तो गुणा कराने पर 128 और 314 जो है वो कितना आता है, 40,192। अब यहाँ पर देखो 12 है और ये माइनस का 5, बचेगा कितना, 7 बचेगा, और बटे में कितना है, 885। अब क्या करा देंगे, इन दोनों का भाग, इन दोनों का भाग कराएंगे तो आ रहा है 45.41, और गुणे में 10^7, दशमलव को एक संख्या आगे लाएंगे तो 4.54, एक लिखो चाहे ना लिखो, आगे ला रहे हैं यानी प्लस, 7 पहले से ही प्लस था, एक और प्लस हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 8। ये आ जाएगी फ्लक्स की वैल्यू इतनी, और इसका मात्रक न्यूटन, वही चीज न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, ठीक है ना। इसका मात्रक कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और बटे में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक कूलाम से एक कूलाम कैंसिल, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यही क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था यहाँ पर इसका आंसर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहीं पर जो है वैद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम पर आधारित महत्वपूर्ण जो आंकिक प्रश्न होते हैं वो समाप्त होते हैं। आगे हम वैद्युत विभव और धारिता पर आधारित न्यूमेरिकल के बारे में देखेंगे, ठीक है।